हम अपने 84 जन्म में से यह जान गए कि हम पहले ब्राह्मण हैं। अरे वो तो सभी ब्राह्मण हैं। हम ये भी तो जान गए कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। ये कोई जानना जानना हुआ? वो तो सभी जान गए ब्राह्मण यहाँ जो बैठे, क्या है हम आत्मा है, ये कोई जानना नहीं हुआ। स्पेशल हम जान जाएं कि स्पेशल हम आत्मा कौन है, जो कोई दूसरा नहीं है, जो हमारी आत्मा का पार्ट है वो इनमें से किसी दूसरे का नहीं है, वो जान जाए। तो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि हम अपनी आत्मा के मुख्य पार्ट को जान जाएं? कौन सा पुरुषार्थ करें? अपन को आत्मा समझ, आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें। जो ज्यादा याद करेंगे उनको पहले पता पड़ेगा, जो कम याद करेंगे उनको बाद में पता पड़ेगा। किसी लौकिक परिवार में 3 सदस्य हैं जो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन प्रतिदिन नियमित क्लास एक आत्मा ही करती है 3 में से। उस आत्मा को जो नियमित क्लास करती है, यहां महासंगठन में क्लास करने की सूचना दी जाती है, तो अन्य 2 को भी पता चल जाता है। तो इसमें जो पहला सूचना देने वाला है उसका क्या पाप बन जाता है? कोई पाप बनता है कि नहीं बनता है? हैं? है? इनका मतलब यह है कि कोई लौकिक परिवार में से 3 ज्ञान में चले, 3 ने भट्टी की, कुछ दिन क्लास भी किया, फिर 1 तो रेगुलर रहा और 2 ने क्लास छोड़ दिया, 2-4 महीने से क्लास में आते भी नहीं है। तो पहले को जब सूचना मिली कि महासंगठन होने वाला है, तो पहले ने जाकर के अपने लौकिक परिवार वालों को बता दिया जो ज्ञान में टूट चुके थे या 2-4 महीने से नहीं आ रहे, तो उसका पाप बनता है कि नहीं बनता है? है? क्यों बनता है? हाँ, बाबा की नाफरमानी की। बाबा का नियम है कि जो 2-4 महीने क्लास में नहीं आते या बाबा से संपर्क ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है ब्राह्मण परिवार से, तो बाबा समझते हैं बच्चा मर गया, और जो मर गया वो रावण संप्रदाय बन गया, भूत प्रेत बन गया, या ब्राह्मण संप्रदाय है, भूत प्रेत बन गया। अब भूत प्रेतों को निमंत्रण दे दिया कि महासंगठन हो रहा है, तुम भी आ जाओ। कैसे? तरीका बताया कि नहीं? भूत प्रेत तब जिंदा होते हैं जब सूक्ष्म शरीर का त्याग करें और नए बाप के घर में जाके फिर से जन्म लें, 9 महीने की भट्टी में पकें, तभी तो बच्चे बनेंगे। कि ऐसे ही बन जाएंगे? हैं? इसका मतलब 2-4 यहाँ ले आए हो? नहीं लाए? अच्छा, तो पूरी कथा लिख दी, जेल धरो अपनी धर्मशाला। छोटा सा प्रश्न बनाओ और बाबा, है संगमयुगी नारायण है तो उन्हीं को संगमयुगी श्री कृष्ण कहेंगे। संगमयुगी नारायण जब राजगद्दी मिल जाए, विश्व की बादशाही मिल जाए, कंट्रोलिंग पावर मिल जाए, पूरी राजधानी मिल जाए, राजधानी पूरी स्थापन हो जाए, 108 आत्माएं
तैयार हो जाएं संगठित में, उनका जो राज्य अधिकारी वर्ग है वो सारा तैयार हो जाए, तब कहेंगे विश्व के मालिक नारायण, और उससे पहले संगमयुगी कृष्ण। तो बाबा इनके शास्त्र कहते, तो शास्त्रों में जो भी गायन है वो संगमयुग का है। तो जो शास्त्रों में हम कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण को डाल दिया, शास्त्रों में कहाँ कहते हैं? नहीं, शास्त्रों में तो ये कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है ही। तो बाबा वो तो संगमयुगी श्री कृष्ण के लिए नहीं कहा गया कहलाएगा वो संगमयुगी श्री कृष्ण जो है वो गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान तो शिव बाबा है जिसमें शिव प्रवेश करते हैं। बाबा जो कहा गया है जो भक्ति मार्ग में कह दिया कि मतलब जो शूटिंग तो यहाँ से हुई संगमयुग से, श्री कृष्ण संगमयुगी जो श्री कृष्ण, शंकर और श्री कृष्ण अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्मा है? अलग अलग आत्मा है। शंकर है शरीरधारी और उस शरीरधारी में प्रवेश करने वाली है कृष्ण की सोल। नहीं समझ में आया? कृष्ण की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है, माने ब्रह्मा की सोल, और नारायण वाली सोल का तो अपना शरीर है। तो दोनों अलग अलग आत्माएं हैं। जो प्रवेश करने वाली आत्मा दूसरी है, कृष्ण की आत्मा शिव के अलावा, वो गीता ज्ञान सुनने वाली है या सुनाने वाली है? वो तो सुनने वाली है। और उनको थोड़ी ना संगमयुगी श्री कृष्ण कहा गया, जो नारायण वाली आत्मा पहले तो शरीरधारी तो एक ही है कि दो हैं? एक ही है। तो एक उसको चाहे संगमयुगी कृष्ण कह दो, चाहे संपन्न बनने पर उसको संगमयुगी नारायण कह दो। सतयुगी कृष्ण तो नहीं कहेंगे? सतयुगी कृष्ण तो नहीं है बाबा, संगमयुगी कृष्ण है। तो सब बाबा ये कह रहे हैं तो गीता का जो साकार भगवान है वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण नहीं है बाबा, वो तो पता चल गया कि हाँ शिव शंकर भोलेनाथ है। शंकर है जो निराकारी स्टेज में रहता है। कृष्ण की आत्मा तो साकारी स्टेज में रहती है, साकार में रहती है तो साकार में गोपियों के साथ संबंध है। निराकारी स्टेज में संबंध कहाँ बनता है? बनता है? नहीं बनता है। और पांच दिन होते हैं? क्यों आप एक दिन जाते हैं निश्चय पत्र लिखवाते हैं वो दिन नहीं गिनेंगे? उस दिन भट्टी नहीं शुरू होती? 7 दिन हो गए। एक दिन आना एक दिन जाना, जिस दिन जाना करेंगे उस दिन आपस में ज्ञान की बातें करते हैं या दुनियावी बातें करते जाते हैं? हाँ वो भी ऐड होगा। ये तो मनसा की बात है ना, हमारी जो बेहद की भट्टी है कि कोई स्कूल है, और जब आते हैं लौट के तो भी बुद्धि में वही ज्ञान की बातें चलती है। इसलिए 9 दिन हो गए। और एक आदमी हाँ सोने का पात्र माने पात्र है बुद्धि, और सोना माने सच्चाई। जो बुद्ध रूपी आत्मा सच्चाई से भरी पूरी है उसी में शेरनी अर्थात ब्रह्मा का दूध टिकेगा। ब्रह्मा को शेर के रूप में त्रिमूर्ति में दिखाते हैं ना, 3 शेर दिखाते हैं, उनमें ब्रह्मा शेरनी है या शेर है? शेरनी है। उसके मुख से निकला हुआ जो दूध है वो किसमें टिकेगा? पवित्र बुद्धि में टिकेगा, सच्चा पोता मिल देने वाले में टिकेगा या झूठा पोता मिल देने वाले में टिकेगा? है सच्चा पोता मिल जिन्होंने दिया होगा, जितना सच्चा पोता मिल दिया होगा उतना वो ज्ञान बुद्धि में टिकेगा। 1% भी अगर झूठा दिया होगा तो वो 1% ज्ञान जरूर उड़ जाएगा बुद्धि में से, वो सच्चा ज्ञान नहीं होगा, अब झूठा ज्ञान सुनाएगा। सोने का पात्र माना सोने में
साकार शेरनी जो होती है स्थूल जानवर शेरनी, उसका दूध टिकता है, इतना गर्म होता है, और मिट्टी के पात्र में उसे रख दो तो फोड़ के निकल जाता है। वो हद की बात है और ये बेहद की बात। हाँ, लास्ट में बनता होगा जब सब हार जाएं, सब थक जाएं, तब लास्ट में सारी दुनिया का विनाश कैसे होगा? विविचार से विनाश होता है या विविचार से विनाश होता है? हैं? विविचार से विनाश होता है। तो सबसे ज्यादा विविचारी और अविविचारी कौन बनता है? एक ही आत्मा है जो विविचारी दुनिया का भी बीज है और अविविचारी दुनिया का भी बीज है। वो सबका बाप है, वो रावण का भी बाप है। और दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो रावण की बात राम के ऊपर लागू होगी या नहीं? वो भी लागू होगी, वो तो है ही दुनिया का बीज। षष्ठी रूपी वृक्ष के 500-700 करोड़ पत्तों में से एक भी पत्ता ऐसा नहीं है जो उस बीज में समाया हुआ न हो। इसलिए भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा हुआ, न हम ते सुते मये, मैं उनमें व्याप्त नहीं हूं लेकिन वो पत्ते मेरे अंदर हैं। वो मेरे अंदर ना होते तो फिर वो निकलते कहां से? हाँ जी, मैं जाने नहीं देते। तो निरंतर याद की धूनी रमा दो। ओहो, कुछ नहीं मिलता हो, लेकिन याद में स्थिर हो जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। तो कुछ मत करो, नहीं जाने देते कह दो हम नहीं जाएंगे। क्या करना शुरू कर दो? मन के मौन से नई रंगत निकालना शुरू कर दो। मन को तो नहीं रोक पाएगा कोई, तन को रोक लेंगे, धन नहीं देंगे, संबंधियों का सहयोग नहीं देंगे, मन को रोक पाएंगे? तो सो ही करो। न जानकारी हो उससे क्या मतलब? जानकारी नहीं है तो क्या हम बिंदु आत्मा को याद नहीं कर सकते? हाँ, तो करो। जितना जितना बिंदु सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे उतना उतना विस्तार अपने आप हो जाएगा। आप एक घंटे लगातार बीज रूप स्टेज में अगर टिक गए तो समझ लो कि जितने भी 24वां हिस्सा उसका आप विस्तार में जरूर चले जाएंगे। 8 घंटा बीज रूप स्टेज में टिक गए तो 1/3 जन्मों की जानकारी आपको जरूर हो जाएगी। जितना सूक्ष्म बनेंगे उतना विस्तार स्वतः हो जाएगा। विस्तार में जाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन सार में टिकने में मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या करना है? हैं? सार में टिकना है। वो
हैं हाँ, लाल लाइट जलाओ, संगीत जलाओ, क्षमा क्षम करो, थोड़ा आधार से चलो, निराधार न बनो। आत्मा निराधार है कि आधार लेकर चलती है? निराधार है तो निराधार आत्मा बनो, तभी उद्धार होगा। ये संगीत बजाते रहे और सामने विनाश हो गया, जमीन हिलने लगी, तो तुम्हें संगीत याद आएगा? संगीत तुम्हारी आत्मा सुनेगी? वो टाइम भूल गया। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है। अब जब विनाश सामने खड़ा है, हम एक तरफ बोल रहे हैं लोगों को विनाश सामने खड़ा है, और दूसरी तरफ हम ढोल मजीरा बजा रहे हैं, तो लोग मानेंगे विनाश हो रहा है कि नहीं होने वाला है? मानेंगे? फिर झूठ बोलेंगे, कहेंगे ये झूठ बोलते हैं। तो अंदर एक और बाहर एक, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, अंदर से एक और बाहर से दूसरा, ये तो फिर झूठे हो गए। ये बेसिक नॉलेज में था कि झांझ मृदंग बजीरा बजा रहे थे, डांस करते थे, गीत गाते थे, गीत सुनाते थे, गीत बनाते थे। अब तो इन बातों से एडवांस में परे हो जाना है। कोई आधार नहीं, याद के लिए किसी आधार की दरकार नहीं। हैं? आत्मा से रमा दुखी हो गए आपसे, आत्मा से बाबा को याद करो, बोल रहे हैं ना? दो महीने नहीं आती तो बाबा को क्लास में, दो महीने क्लास में नहीं आती है, बाबा को कोई पत्र भी नहीं लिखा है, ईमेल भी नहीं डाला है, बाबा से फोन से बात भी नहीं हुई है, तो बाबा क्या समझेंगे? बाबा ने मुरली में क्या बोला? बंधन में है, अपने कर्मों से बंधन में है कि बाबा के कर्मों से बंधन में है? तो उनका कर्म बंधनों को सही करो, उसका तरीका यही बताया, दोबारा भट्टी करो और माफीनामा मांगो। क्या हम ऐसी गलती किसी हालत में नहीं होने देंगे? हम टीचर का रिगार्ड डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। बंधन किसको होता है? बकरी और मेढ़ों को बंधन होता है, या शेर शेरनियों को बंधन होता है? बकरी को बंधन होता है। मैं आया और मेरा आया और बंधन आया। मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्या हूं? ना चीज हूं, कुछ भी नहीं हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, कोई अहंकार ही नहीं है तो कौन बांधेगा? और ओम शांति।
हाँ जी सबसे पहले मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनुष्य मनु को दिया और मनु ने अपने शिष्य इक्ष्वाकु को दिया। तो बाबा ये तीन कौन कौन है? मनु तो राम वाली आत्मा है, मनु तो राम वाली आत्मा है, बाकी इक्ष्वाकु और विवस्वान कौन है? शास्त्रों में जो बातें आई है वो भूसा है या सार है? तो शास्त्रों की बातें अगर उठाते रहेंगे तो भूसे में मिल जाएंगे और जानवर खा जाएंगे। इसलिए जो सार की बातें हैं वो शास्त्रों से मैं उठाकर तुम्हें बताता हूँ। शास्त्रों में सारा भूसा है, मैं जो बताता हूँ सो सुनो। तो इतना तक ठीक है कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया। सूर्य देवता है, उसके रथ में कितने घोड़े हैं? नहीं, सात घोड़े हैं। तो पता लगता है कि अष्टदेव हैं, उनमें एक ईश्वर का रूप है जो ईशान कोण में दिखाया जाता है, बाकी सात दिशाओं में सात घोड़े दिखाए गए हैं। टोटल मिला के अष्टदेव हैं। वो ज्ञान सूर्य है, वो उसके बच्चे हैं। ज्ञान सूर्य का भी अपना रथ है, तो जिसको रथ है वो भगवान है या जिसको अपना रथ नहीं है वो भगवान है? भगवान कौन है? जिसको अपना रथ नहीं है वो ही भगवान है, वो ही अभुक्त है। जिसको रथ है वो सब स्वार्थी है, वो भगवान नहीं हो सकते। सदैव इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हो सकते। हाँ, भगवान बाप आते हैं तो अल्पकाल के लिए नंबर वार इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते और बाबा अगर के चार पाँच महीने तक क्लास में नहीं आता है तो उसको बाबा की क्लास में बुलाना चाहिए? तो मर गया बाबा, तो कहते दो महीने तक चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो भी बाबा समझते हैं मर गया, और तो क्लास में ही नहीं आया। क्लास में नहीं आते हैं, गीता पाठशाला में भी नहीं जाते हैं, उनको दोबारा भक्ति करनी पड़े। कोई मर जाते हैं तो जब तक दूसरे घर में जाकर बाप के यहाँ जन्म न लेवे तो जिंदा कहे जावेंगे? तो गर्भ में पकना पड़े कि नहीं पकना पड़े? दोबारा वो नौ महीने पकते हैं, यहाँ नौ दिन की बात है, एक दिन आना एक दिन जाना, सात दिन पकना, तभी तो बच्चा बन के पैदा होंगे। बाप के घर में जाके जन्म न ले और बच्चा बन जाएंगे मरे हुए? बाबा जो मुरली में बात बोली जाती है अगर नहीं उसका पालन हो रहा है और
कोई इशारा देना चाहे तो देना चाहिए या नहीं? पहले तो ये देखो मरा हुआ है या जिंदा है। इशारा देना है तो मुर्दा इशारा समझेगा, या जीवित आदमी इशारा समझेगा? बाबा जैसे कहते हैं ना, इशारे से जो समझे वो देवता, तो देवता देवता बनने वाला है। कहने से समझे वो मनुष्य, जो कहने से भी ना समझे वो असुर। हाँ, तो अगर इशारे से बात समझ में नहीं आ रही है और कहा जा रहा है तो भी नहीं माने तो पहले जो कहने वाला है बताने वाला है वो अपने को देखे कि मैं सब बातें इशारे की बाबा की समझता हूँ। अगर बताने वाला खुद ही नहीं समझता है इशारों को, तो पहले तो कौन हुआ खुद? रेगुलर क्लास की बात है, कोई भी बात हो रेगुलर और पंक्चुअल। रेगुलर माने रोज क्लास करना, और पंक्चुअल माने रोज टाइम से आना, और क्लास पूरा होने के बाद टाइम से जाना, वो पंक्चुअल। तो सारे जीवन में रेगुलर और पंक्चुअल कोई है? जबकि बाबा ने कहा 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास जरूर अटेंड करना है। तो पूछने वाला या बताने वाला पहले खुद अपने ऊपर देखे कि मैं ऐसा बना हूँ, बाबा की मुरली के प्रति मेरा ऐसा और इतना प्यार है। बाबा संडे की क्लास तो रेगुलर। अच्छा, तो मुसलमान है या क्रिश्चियन है या हिंदू है? अभी तो सब महीने से रोज भी क्लास हो रही है। दूर है ना, कितना पास कर रहा है, बहाने को जीव बना लो। आजकल दुनिया में दूर और नजदीक कुछ रह गया क्या? जेब में पैसे हैं तो कुछ भी दूर नहीं। पैसे खर्च किए और दुनिया के दूसरे कोने पे जाके बैठ जाओ, सुबह को जाओ और शाम को लौटा, तो क्या दूर है और क्या नजदीक है? हाँ, बगल में जो पैसे दबे हुए हैं खर्च नहीं करना चाहते। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, दो दो घर में बदल के रोज जाते हैं। और सबकी बात एक जैसी नहीं होती, कोई पढ़ाई कर रहा है, हमारी बीमारी है, किसी के माता पिता बीमार है, किसी को स्कूल जाएगा, उसके लिए तो थोड़ा मिस हो जाएगा ना, फिर वो परिस्थितियाँ हटेंगी, फिर वो आने लगेगा, ऐसा तो होना है। मान लो वो घर में क्लास करता हो, ये तो माशाल्लाह नहीं आ पाया है, पर वो घर में क्लास करता हो दो चार महीने, दो महीने या एक महीना। लेकिन बाबा ने तो बोल दिया ना, कोई दो महीने क्लास में नहीं आते हैं तो बाबा समझते हैं? नहीं, पर वो संगठन की क्लास तो करते हैं। तो दो महीने का नाम क्यों लिया फिर? अगर संगठन क्लास करते हैं तो संगठन तो 7 दिन में एक बार होता ही है, फिर दो महीने मतलब बोलो ना, दो महीने की बात तो खत्म हो गई। और एग्जाम, अरे पढ़ाई कौन सी कर रहा है, डागली या गडली? आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहा है या देह की पढ़ाई पढ़ रहा है? देह है एक जन्म के लिए और आत्मा है 84 के चक्कर के लिए। यह है जन्म जन्मांतर की पढ़ाई। जब तक आत्मा रहेगी, पार्ट बजाएगी, ये पढ़ाई अपना काम करती रहेगी।
मानसरोवर की गीता पाठशाला में क्या नहीं हुआ? क्लास नहीं हो रहा है। टीचर्स कहाँ चले गए? हैं? हाँ तो ठीक है, जहाँ गीता पाठशाला है वहाँ जाओ। ये भी स्टूडेंट्स का कर्म भोग। हाँ कम से कम उनसे तो अच्छे हैं जहाँ मीलों तक कोई गीता पाठशाला है ही नहीं। बाबा गीता पाठशाला खुली हुई है, भाई बहन चल रहे थे और कोई भाई मुरली नहीं, क्लास में नहीं बैठता, मुरली नहीं सुनता, तो उनके फिर संगठन क्लास रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? मतलब गीता पाठशाला खुली हुई है और भाई नहीं सुनते। गीता पाठशाला का भाई नहीं सुनता है ना, वो संगठन क्लास में आता है तो वहाँ फिर क्लास रखी। कोई स्कूल होता है, कोई पाठशाला होती है, यूनिवर्सिटी होती है, सब स्टूडेंट एक जैसे होते हैं क्या? हाँ? अरे कोई अधकचरा स्टूडेंट है, समझा जाता है इस साल फेल हो जाएगा, अगली साल अगली साल पास हो जाएगा। सब तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ना। बाबा ने तो बता दिया जितनी पढ़ाई पढ़ेगा उतना पद पाएगा। ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से शुक्राचार्य कौन है? अच्छा भक्ति मार्ग के हिसाब से शुक्राचार्य किसका गुरु है? है असुरों का गुरु है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी देवता धर्म की आत्माएं भी हैं और आसुरी धर्म में भी कन्वर्ट होने वाले हैं कि सब एक जैसे हैं? है तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी असुर भी बैठे हुए हैं और देवताएं भी बैठे हुए हैं। जो आसुरी वर्णों में कन्वर्ट होने वाले हैं उनको भी जन्म देने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? हैं? उनको रचने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे रचयिता? तो एडवांस पार्टी की शुरुआत कब हुई? जब से बाप आए तब से एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया 76 में, तो 76 में बाप से ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि से चार बीज पैदा हुए। पहले पहले सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, तो ये चारों चार धर्म के बीज हैं जो चार मुख्य धर्म हैं, जिनमें दो हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश एक ही हो गए, दोनों का बीज एक है, और तीन है इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियंस, इन तीनों के बीज तीन हैं। सनत कुमार है सनातन धर्म का बीज,
वो सब उनसे जो पैदा होते हैं वो सब हुए देवताएं। देवताओं का बीज कहो, बाप कहो, गुरु कहो, वो हो गया सारे वृक्ष का पति, वृक्षपति, बृहस्पति। और उसके बाद कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। बौद्धियों और क्रिश्चियंस का भी मुखिया है, पहले है। तो उन तीनों का जो बीज है वो शुक्राचार्य है। इसका नाम क्या रखा? शुक्र आचार्य। शुक्र किसे कहा जाता है? शुक्राणु किसे कहा जाता है? देवताओं की पैदाइश शुक्राणु से होती है या दृष्टि के फोर्स से होती है? और शुक्राणु से किसकी पैदाइश होती है? मनुष्यों की या राक्षसों की? तो वो शुक्राचार्य है जहां से शुक्राणु की सृष्टि पैदा होती है। द्वापर युग के आदि से ही ये शुक्राणु की सृष्टि पैदा हुई। सब विधर्मियों का बीज है। और रामायण में उनको चार भाई बोल दिया है। राम देवता धर्म का बीज, लक्ष्मण बौद्ध धर्म का बीज, भरत इस्लाम धर्म का बीज और शत्रुघ्न क्रिश्चियन धर्म का बीज। तो जो इस्लाम धर्म का बीज है भरत, वो ही शुक्राचार्य है। और बाबा कहते जो अभी बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो वो नरक की दुनिया में शरीर छोड़ नरक की द्वापर कलयुग की दुनिया में ही जन्म लेंगे, क्योंकि बीड़ी सिगरेट ही नहीं छोड़ पाते हैं तो विकारों को क्या छोड़ेंगे। और जो विकारों को यहाँ नहीं छोड़ेंगे वो सत्युग त्रेता में देवता नहीं बनेंगे। लेकिन बाबा ये भी तो कहा है कि जो एक बार मेरे सन्मुख दो शब्द सुनेगा वो स्वर्ग में जरूर आवेगा। आप बताओ बीड़ी पीने वाले स्वर्ग में आवेंगे या नहीं आवेंगे? आ जाएंगे। वो सन्मुख हुए बात नहीं मानी, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उनको सन्मुख कहा जाता है कि विमुख कहा जाता है? तो विमुख है शुरुआत से लेकर के। जो कान से सुन तो ले, कान हिला के मान भी ले बात सही है। और फिर प्रैक्टिकल जीवन में माने नहीं, प्रैक्टिकल धारणा करने से इनकार कर दे तो वो ज्यादा खतरनाक है कि सामने तो ऐसे ऐसे कर दिया। हाँ ठीक है सही है, कोई चोर है और चोरी स्वीकार, हाँ हमने चोरी की सही है। तो जो स्वीकार कर लेता है अपनी गलती को उसको छोड़ दिया जाता है, और वो छोट जाए और चालाकी से छूट तो गया फिर चोरी करना शुरू कर दिया। तो स्वर्ग में बीड़ी पीने वाला आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वो तो धोखा दिया और ज्यादा।
जैसे कोई विकार में जाते रहते हैं और क्लास में आकर बैठते रहते हैं, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। जब तक ऐसी शूटिंग करते हैं तब तक नहीं आवेंगे। जब उनकी बुद्धि में बैठ जाए, प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करें, सच्चाई से सन्मुख हो गए तो कहेंगे सन्मुख, सन्मुख हैं तो प्राप्ति करेंगे। और उन्होंने पूछा है 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उस समय वो बात चैतन्य भारत पर कैसे लागू होती है? अब सवाल पैदा ये होता है, क्या 1947 में भारत आजाद हुआ? आजाद हुआ कि और ज्यादा भारतवासी परतंत्र हो गए? हैं? दुख बढ़ा या घटा? दुख और ही बढ़ गया। तो ये थोड़े ही कहेंगे कि भारत आजाद हुआ, न जड़ भारत आजाद हुआ और न चैतन्य भारत आजाद होता। पवित्र आत्माओं का कपड़ा बाबा के बच्चे पहनते हैं तो उससे संघ का रंग लगता है या नहीं लगता है, बताओ? लगता है। अपवित्र हाथों का बना हुआ भोजन रुआने मिलिट्री के वॉरियर्स खाते हैं, कैंटीन में खाते हैं कि नहीं? बाबा ने उनको खाने के लिए हाँ कहा या मना किया? क्यों? क्योंकि जितने भी महकमे होते हैं उन सब महकमों में ज्यादा पावर कौन से महकमे के पास होती है? हैं? मिलिट्री वालों के हाथ में बहुत पावर होती है। यहाँ भी रूहानी मिलिट्री है, जो शिव बाबा के डायरेक्ट सेवाधारी बच्चे हैं वो रूहानी मिलिट्री है। और मिलिट्री में स्त्री चोला भर्ती किया जाता है या पुरुष चोला भर्ती किया जाता है? है? पुरुष चोले भर्ती किए जाते हैं। तो भाई हैं और रूहानी मिलिट्री में भर्ती हैं और उनको बाई चांस अगर ऐसे कपड़े पहनने को मिलते हैं और गर्म पानी से उन्होंने साफ करके उन्होंने पहन भी लिए, क्योंकि बैगरी लाइफ है, बैगर के पास तो अपना कुछ भी होता ही नहीं, तो रूहानी मिलिट्री याद में रह करके उस कपड़े के संग के रंग से जुदा रह सकती है या नहीं रह सकती है? रह सकती है।
कोई आत्मा पहले बहुत विरोधी होती है, इतनी विरोधी होती है कि कोई को मुरली भी नहीं सुनने देती, बाद में वो आत्मा सहयोगी बन जाती है। तो ऐसी आत्मा का क्या होगा? अरे जब बजागे तब भोर, जब से जगा तब से उसकी शूटिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, एक लिमिट है, एकदम जब रिजल्ट निकलने जाएगा, रिजल्ट निकल गया, जैसे 76 में रिजल्ट निकल गया इसका, लक्ष्मी नारायण का, फिर कोई कहे कि हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण तो नहीं बन सकता, बाकी 108 में नंबर आ सकता है। और ब्राह्मण परिवार में कोई आत्मा किसी दूसरी के आत्मा के ऊपर आड़ चलाती है तो दूसरी आत्मा को मजबूर होकर चलना पड़ता है, तो इसमें क्या सूची होती है? है? बाबा ने क्या बोला इस बारे में? दूसरों पर आर्डर चलाना चाहिए या ब्राह्मण सेवाधारी है उनको सेवा करना वाला सेवक अपने को समझना चाहिए? ब्राह्मणों को सदैव अपन को सेवाधारी समझना है। अगर ब्राह्मण है तो सेवाधारी है, सेवाधारी ब्राह्मणों का बाप भी क्या है? बच्चे क्या कहते हैं बाप? बच्चे आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो अगर बाप के बच्चे ब्राह्मण सेवाधारी हैं तो सेवा करें। जैसे घर में सेवक होता है, दास दासी होते हैं, तो मालिकाना रखने वाले मालिक उसके ऊपर, मालिक और मालिकिन उसको खूब झटकते हैं, आर्डर के ऊपर आर्डर चलाते रहते हैं। उनका तो हक है, यहाँ कोई का किसी के ऊपर आर्डर चलाने का हक नहीं है, फिर भी अगर आर्डर चलाता है तो वो ब्राह्मण है या शूद्र है? फिर तो वो है ही शूद्र, उसकी शूटिंग खराब हो रही है। अगर अच्छी शूटिंग करनी है तो सबको प्यार से चलाना है। हम किसी के ऊपर आर्डर चलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमारा नहीं है, हमने किसी को ज्ञान नहीं दिया है। ज्ञान किसका है? ज्ञान तो शिव बाबा का है। हम कोई को यहाँ आधीन न बनावे, अगर यहाँ आधीन बनावेंगे, आर्डर चलावेंगे, तो वहाँ हमको आर्डर पर चलना पड़ेगा, हमें उनकी आधीनता में चलना पड़ेगा। और एक तरफ मुरली में बोला है तुम बच्चे पुरुषार्थ से जैसा चाहो वैसा ऊंच पद पा सकते हो, और दूसरी तरफ मुरली में बोला है ड्रामा में जो होगा वो ही होगा। कोई नई बात नहीं होगी, तो इसका क्या मतलब है? अरे जिनको ऊंचा पुरुषार्थ करना होगा उन्होंने कल्प ऊंचा पुरुषार्थ किया होगा, यही उनका ड्रामा में, पिछले ड्रामा में भी था, और अब जो 5000 वर्ष का ड्रामा शुरू हो रहा है उसमें भी ऐसे ही, जिन्होंने नीच पद पाया होगा वो अभी भी नीच पद पावेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसमें क्या नई बात?
क्या पूछ रहे हैं पहले ही तो बताया ही नहीं, बात भी गलत लिखी है। स्वर्णिम संगम युग में पुरुष से बच्चा और स्त्री से बच्ची पैदा होने की बात बताई, ऐसा कुछ बताया कि पुरुष से बच्चा पैदा होगा और स्त्री से बच्ची पैदा होगी, हा? ऐसे कुछ होता है? ऐसी तो कोई बात नहीं। पुरुष का वाइब्रेशन स्त्री के वाइब्रेशन से ज्यादा पावरफुल होता है, हाँ ये बात तो है कि पुरुष हैं दुर्योधन दुशासन, जोर जबरदस्ती करने वाले, वो कब तक है दुर्योधन दुशासन? जब तक आत्माभिमानी नहीं बने हैं, जब आत्माभिमानी बन जाएंगे तो दुर्योधन दुशासन रहेंगे क्या? नहीं। बाबर के रूप में मुगल धर्म की राजधानी स्थापन करने का पार्ट बाबा का बताया, ये भी बाबा है और वो भी बाबा रहा। तो उस बाबर के सामने राणा सांगा के रूप में हिंदू धर्म भारत की रक्षा करने वाली आत्मा कौन से धर्म की है? हिंदू धर्म की है। राणा सांगा ने किससे युद्ध किया? बाबर से युद्ध किया, तो हिंदू धर्म की हुई या मुस्लिम धर्म की हुई? हिंदू धर्म की हुई। लेकिन अंधश्रद्धा वाली आत्मा है या श्रद्धा भावना वाली आत्मा है? राणा सांगा के जमाने में या बाबर के जमाने में या अभी भी जो भी हिंदू धर्म में मान्यताएं चल रही हैं, वो अंधश्रद्धा की मान्यताएं हैं या श्रद्धा विश्वास वाली भावनाएं हैं, मान्यताएं हैं? है? अंधश्रद्धा की मान्यताएं। बाबर अंधश्रद्धा को नहीं मानता था, इसको मानता था, मूर्ति पूजा को नहीं मानता था। ये मूर्ति पूजा अंधश्रद्धा की बात है, हैं तो दोनों ही गलत। किसी के श्रद्धा भावना को तोड़ना वो भी गलत बात है, क्योंकि समझा तो सके नहीं। श्रद्धा विश्वास क्या चीज है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि किसके ऊपर श्रद्धा रखनी है, किसके ऊपर विश्वास रखना है। मूर्तियों के ऊपर श्रद्धा विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि वो तो जड़ है, वो रास्ता नहीं बताएंगे। तो फिर चैतन्य मूर्ति भी तो बताओ, तो ना हिंदू सच्चे और ना बाबर सच्चा है। हाँ सिर्फ कहेंगे कि हिंदुओं में जो मूर्ति पूजा बुत परिस्थिति की जो गलत धारणा चल रही थी उसका मुगल साम्राज्य ने खंडन किया, बस। और जी
ओम शांति। ओम शांति।